शिवानी, आज हम चलने वाले हैं कॉस्को द होलसेल स्टोर और इसमें हमें बहुत सारी चीजें बहुत ही कम दाम में मिलती है इन कंपैरिजन टू द लोकल स्टोर। और यहाँ पे मतलब कम दाम में भी तो मिलती है पर इसमें थोड़ी सी बल्क में मिलती है, तो अगर फैमिली बड़ी हो या फिर आपको वो चीज़ें रेगुलर खाना है जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हो गया, ब्रेड्स हो गई, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम दाम में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये यहाँ का मतलब फेमस होलसेल स्टोर है, यहाँ पे हर एक चीज़ें मिल जाती है, फर्नीचर से लेके क्लोथ्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, फार्मेसीज भी यहाँ पे होती है, मतलब चॉकलेट्स, सो यहाँ पे आपको सब कुछ ए टू जेड घर की आइटम पूरी की पूरी मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे डेकोरेशन का भी चीज़ें होती है वो मिल जाती है। बस एक पॉइंट है कि अगर आपको कॉस्को में से कुछ भी खरीदना हो तो आपको ये कॉस्को मेंबरशिप कार्ड चाहिए होता है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं ले सकते। इवन आपने आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्रेश पिज्ज़ाज और बर्गर्स ये सब भी मिल जाता है उसके लिए भी आपको ये कार्ड नेसेसरी है। और ये मेंबरशिप आपको पड़ जाएगी $60 पर ईयर में, और इस वाले मेंबरशिप की जो है वो $60 पर जो हम रेगुलर होते हैं, फिर $120 की भी होती है वो स्पेशली बिजनेस जो करते हैं उन लोगों के लिए होती है क्योंकि उनको बल्क में बहुत सारा सामान चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि हम कंपैरिजन करें लोकल स्टोर से तो ये बहुत ही ज़्यादा चीप स्टोर है। सो लेट्स गो इन एंड लेट्स सी व्हाट वी बाय टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास्क इज नेसेसरी, सो लेट्स गो इन। एंटर होते ही हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्टोर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब मिल जाती है और कम दाम में मिलती है कंपेयर टू लोकल स्टोर्स, एंड दैट्स व्हाई लोग यहाँ से लेना प्रिफर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस स्टोर पे एप्पल के सारे गैजेट्स और फोन्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप जो एप्पल के गैजेट्स हैं उनके साथ आप प्ले कर सकते हो, मतलब डिस्प्ले में जो रखे हुए होते हैं कलर्स चेकआउट कर सकते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोर। एंड मैं आपको कुछ गैजेट्स की प्राइस दिखाऊंगी, तो लेट्स चेक आउट द प्राइसेस। और ये हो गया एप्पल एयरपॉड्स प्रो जो लेटेस्ट है आईफोन की तरफ से, उसकी प्राइस है $229। एंड ये है एप्पल सेकेंड जनरेशन, उसकी प्राइस है $139। और ये हो गया एप्पल केयर फॉर हेडफोन्स, दैट इज़ $22.99। और ये है एप्पल का आईपैड जो है $319.99। और ऐसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक एप्पल आईपैड जो है वो हर एक जीबी का मिल जाएगा, हर एक जनरेशन का भी मिल जाएगा, डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है और उसी हिसाब से आपको प्राइस देनी पड़ती है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, तो हाउ कैन वी फॉरगेट द ज्वेलरी। सो यहाँ पे आपको मेंस और वुमेन की दोनों की ज्वेलरी इजीली अवेलेबल है। नाउ लेट्स गो चेक आउट सम स्टफ फॉर शिवांश। अभी हम जिस सेक्शन में खड़े हैं वो पूरा बुक का सेक्शन है, और आप देख सकते हो कि यहाँ छोटे बच्चों को लेके एडल्ट बुक्स भी होती है, और हमने यहाँ से कई बार बुक्स खरीदी हुई है जैसे कि ऐसे वाला टैबलेट जो शिवांश के पास है वो भी हमने यहाँ से लिया था, फिर बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो हम यहाँ से बाय करते हैं। हम देखते हैं कि शिवांश की एज को कौन सा अप्रोप्रिएट होता है, फिर उसी हिसाब से हम यहाँ से बुक्स लेते हैं। और यहाँ से एक्चुअल में बाहर से बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मिलती है, मतलब। और आप देख सकते हो कि अभी शिवांश यहाँ पे खेल ही रहा है बुक से, ये पूरी बहुत ज़्यादा अच्छी, अगर उसको अच्छी लगी तो फिर हम ये भी लेंगे। ये पूरा ये थोड़ा सा सॉन्ग्स होता है और फिर और जो एनिमल्स के पिक्चर्स होते हैं, और फिर उसके सामने बाजू में ही ऐसे प्रेस करने से एनिमल की आवाज़ आती है। ये बहुत ही अच्छी बुक्स है, और ये स्पेशली ये बोर्ड बुक्स है, तो ये मतलब ये शिवांश कुछ मतलब रिप नहीं करेगा या वो अपने आप ही रीड कर सकता है फ्यूचर में। दिस वन
ज़्यादा ही पसंद आ गई है। और हमारे पास ऑलरेडी ये वाला जो है सेक्शन, ये पूरा सेक्शन है हमारे पास, ऐसी वाली बुक्स है जो कार्ड्स हमने यहीं से खरीदी हुआ था, प्लस हमारे पास ऐसा वाला कार्ड्स गेम्स है, और प्लस ये बेड टाइम रूटीन बुक्स है हमारे पास। सिर्फ शायद ये, हाँ सिर्फ शायद ABC विद कलरिंग पेज नहीं है हमारे पास, पर अभी कलरिंग को शिवांश को दे रही है, शिवांस इज़ ओनली 18 मंथ्स ओल्ड, बट ये सारा हमारे पास है जो हमने यहीं से लास्ट टाइम हम जब आए थे तब यहीं से हमने परचेज की हुई थी। एंड यहाँ पे वैक्यूम्स भी इजीली अवेलेबल है, जो नॉर्मल वैक्यूम होते हैं वो, और प्लस रोबोटिक जो नई जनरेशन का वैक्यूम्स आया हुआ है वो भी इजीली अवेलेबल है, और उसमें भी हर एक ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो रोबोट वाला वैक्यूम है वो आप सिर्फ अपने फ़ोन की मदद से ही, ऐप से आप उसको स्केड्यूल कर सकते हो कि किस टाइम पे आपको वैक्यूम करना है, तो वो अपने आप ही खुद ही वैक्यूम करके, पूरे घर पे वैक्यूम करके वो अपने आप ही उस जगह पे चला जाता है। चलिए अब हम थोड़े से घर के लिए भी आइटम्स देख लेते हैं, जैसे कि जूस मिक्सर हो गया, नॉर्मल हमारा जो रेगुलर हम घर पे यूज़ करते हैं वैसा वाला मिक्सर हो गया, एयर फ्रायर हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सैंडविच मेकर है वो आपको मिल जाएगा, माइक्रोवेव अब इजीली अवेलेबल है, यहाँ पे आपको घर की सारी चीज़ें इजीली मिल जाएगी। Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. यहाँ पे कटलरी में ये पूरा एक सेट आता है, वो होता है करीबन $200 का, जिसमें आता है 13 पीसेस। और ये हम आ गए हैं शिवांश के फेवरेट सेक्शन में, जो कि है टॉयज का सेक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक टाइप के टॉयज अवेलेबल है। I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair. यहाँ पे डिसम्बर यानी कि क्रिसमस का भी डेकोरेशन आ चुका है, जैसे कि क्रिसमस ट्री हो गया, डेकोरेशन क्रिसमस के लिए वो सब हो गया, लाइटिंग्स हो गई, ये यहाँ पे भी अवेलेबल है। और हम ये इस सेक्शन में आ गए जो कि है घर की सबसे बड़ी नेसेसिटी, यानी कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट। और यहाँ पे ऐसे वाले लॉन्ड्री डिटर्जेंट भी मिल जाएंगे, वो करीबन है $25 का, और इसमें होता है 158 लोड, तो ये आराम से आपको करीबन 4 to 5 मंथ्स चल जाएगी। और ऐसे ही डिफरेंट प्राइजेज हैं डिफरेंट ऑन्सेस के लिए, डिफरेंट टाइप के कंपनीज है, जैसे कि ये हो गया इकोज है, टाइड है, फिर ये गेन है। गेन और ये टाइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इन दोनों में हमेशा कंपटीशन रहती है। और यहाँ पे ऑल है, और दूसरे तरफ के ये फैब्रिक जो है सॉफ्टनर आते हैं वो भी है, तो उसकी भी प्राइस करीबन $10 है। कितने की? दिस इज़ ओनली फॉर $10। इसमें क्या होता है? और ये इसको सिर्फ इसको 2 या 3 ये कागज़ जैसा आता है क्लोथ फैब्रिक का, वो उसको आपको सिर्फ ड्रायर में डालना होता है, और ये आपके कपड़ों में स्मेल रहेगी। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें एक तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्कोहल की कितनी वैरायटी है। ये पूरा सेक्शन अल्कोहलिक का सेक्शन है, आप देख सकते हो कि ये जो बॉटल्स का शेप है ये वोडका है, हम पीते नहीं है, पर इसका जो शेप है, जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इसकी जो पैकेजिंग होती है कितने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और ये करीबन है $70, 70, यस दिस इज $70 की, करीबन आती है 1.75 लीटर की बॉटल। और जो ये शेप है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और इसकी जो प्राइस है वो है $160 फॉर दिस मच। और ये है करीबन
750 ml की बॉटल। और यहाँ पे आपको रम, वोडका, बियर, विस्की, शैम्पेन, हर ब्रांड की बहुत सारी वैरायटी मिलती है इस शॉप में। उस तरफ का सेक्शन हम भी हमने देखा, और ये पूरा जो सेक्शन है वो पूरा अल्कोहल का सेक्शन है, और इस इधर आपको हर टाइप की, हर कंपनी की अल्कोहल मिल जाएगी। इसमें जो आती है वो चार बोतलें आती है सेम ब्रांड की, पर डिफरेंट जो फ्लेवर होता है वो। और ये करीबन आपको पड़ जाएगा $99.99 का, सारी की $100 का। पर ये इसका जो पैकेजिंग है बहुत ही ज़्यादा क्यूट पैकेजिंग है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की कुकीज़ जो इधर फ्रेश बेक होती है वो मिल जाएगी। फिर डिफरेंट टाइप के पाइज होते हैं, ये जो डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। पाउंड केक बोलते हैं इधर, वो मिल जाएंगे। डैनिश है, डिफरेंट टाइप के डैनिश है, चीज़ डैनिश, पाइनएप्पल डैनिश, और ये डिफरेंट टाइप की कुकीज़। मैं सिर्फ आपको एक ही प्राइस दिखाऊंगी। ये जो एक कुकीज़ की जो प्राइस है वो करीबन $799 है, पर ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी आते हैं। वो यहीं पे बेक होते हैं, एवरी डे वो लोग बेक करते हैं, तो ये आपको सिर्फ फ्रेश ही खाने में अच्छी लगेगी। मैंने जब यहाँ पे आपको बताया कि ये यहाँ पे फ्रेश बेकरी होती है, तो उसमें ये डिफरेंट टाइप के केक्स भी इधर मिल जाते हैं आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक फ्लेवर है जो कि है कैरमल त्रेज लीची बार। जो केक है वो ये बहुत ही ज़्यादा यम आती है, हमने एक बार ट्राई किया हुआ था। ये है $14.99 की, यानी कि $15 में आपको मिल जाएगी। और ये पूरा डिपार्टमेंट चॉकलेट्स का है, इधर आपको हर टाइप की चॉकलेट मिल जाएगी, और क्यूट वाली पैकेजिंग में भी मिल जाएगी। यहाँ पे बेल्जियम से लेके आपको ग्रीन जो स्वीस की है, फिर किरा डेली की है जो यहाँ की कैलिफोर्निया की फेमस है, वो चॉकलेट भी मिल जाएगी। और जो टफल्स होती है वो भी मिल जाएगी, जो टेनिस की होती है। और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट कंट्रीज की चॉकलेट भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो गुड़ीवा है इज वन ऑफ द बेस्ट चॉकलेट इन वर्ल्ड। और ये डिफरेंट तरह की चॉकलेट है, इसको बोलते हैं लीकर चॉकलेट। इसमें ऐसी वाली बॉटल्स आती है और उसमें से लीकर मतलब चॉकलेट निकलती है, और ये स्पेशली यूरोप से आती है, तो ये प्रीमियम यूरोपियन चॉकलेट्स है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है हेल्थ के लिए, और ये इसकी प्राइस है $16.99। अब हम आ गए हैं फ्रूट सेक्शन में, जिसमें मिलता है एकदम बढ़िया सा सीडलेस वाटरमेलन। यहाँ फेस्टिवल होने वाला है हॉलोवीन, जो कि नवंबर में होता है, उसमें यहाँ के लोग पम्पकिन बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी मिल जाता है। ऑल्सो हनी क्रिस्प एप्पल, स्वीट गोल्डन कीवी एंड कीवी फॉर किड्स एज वेल, फ्रेश पाइनएप्पल, अलग अलग तरह के मस्क मेलन, एशियन पियर मतलब कि जो हम पेरू बोलते हैं इंडिया में वो, येलो पीचेस, क्यूटी ऑरेंजेस जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, और हर एक तरह की फ्रेश बेरीज जैसे कि हो गई ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी वगैरह वगैरह। सामने जो ये रूम है वो एक तरह का बहुत बड़ा सा फ्रीज है। इस रूम के अंदर इन्होंने सारी पेरिशेबल फूड आइटम्स यहाँ पे रखी हुई है जो जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स है जिसको फ्रीज में रखना होता है। एंड यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि आप 2 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते, आपको सिर्फ फटाफट से जो भी लेना है वो लो और बाहर जाना पड़ता है। और अब हम आ गए हैं क्लोथ्स के सेक्शन में,
जहाँ पे अडल्ट एज वेल एज किड्स के क्लोथ डिफरेंट वराइटी प्रीमियम ब्रांड्स एंड गुड क्वालिटी के होते हैं. लेट मी शो यू वन ऑफ द किड्स जैकेट फॉर एन एग्जाम्पल. अब हमारी शॉपिंग ख़त्म हो चुकी है, अब चलते हैं बिलिंग की तरफ. एंड यहाँ पे इन लोगों ने प्रिकॉशन के लिए एक प्लास्टिक का शील्ड लगाया हुआ है ताकि कस्टमर और कैशियर के बीच एक बैरियर रहे, ताकि वायरस ट्रांसमिशन कम हुए, विच इज़ अ ग्रेट वे टू प्रिवेंट द वायरस. ये सारा हमने सामान ले लिया है, अब हम इसको गाड़ी में रख देंगे और मैं घर पे जाके आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया हुआ है और हमें किस दाम पे पड़ा हुआ है. हाय गाइस, आप अभी मुझे देख रहे होंगे गैस स्टेशन पे. इंडिया में इसको पेट्रोल पंप बोलते हैं पर यहाँ पे यूएस में इसको गैस स्टेशन बोलते हैं. और ये कॉस्को का गैस स्टेशन है. जो हम भी हम कॉस्को गए हुए थे उनका इतना बड़ा स्टोर है कि उनका खुद का गैस स्टेशन है यहाँ पे. तो और ये जो प्राइस होती है गैस स्टेशन की वो जो मतलब पेट्रोल की वो बाहर के गैस स्टेशनों से थोड़ी सी कम होती है. तो अभी मैं रेगुलर गैसोलीन यूज़ कर रही हूँ और उसका रेट है $2.899 पर गैलन. और यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो इंडिया में जैसे पेट्रोल पंप में एम्प्लॉइज़ होते हैं वो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे आपको खुद ही गैस पुरवानी पड़ती है. हाय गाइस, हम अभी जस्ट घर पे आए हुए हैं और अभी टाइम हुआ है 7:05 मतलब 7:05. और आप देख सकते हो हमने सिर्फ जस्ट ऐसे ही सामान रख दिया हुआ है. मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या सामान लिया हुआ है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड लेट मी शो यू गाइस व्हाट वी गॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय गाइस, तो आप देख सकते हो हम कितना सारा सामान लेके आए हुए हैं. मैं आपको धीरे धीरे से सब दिखाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट कि मैं हम लोग क्या क्या कॉस्को होल फूड में से लेके आए हुए हैं. सो ये है पूरा एक स्पिनच का बैग जो कॉस्को में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो कॉस्को में जो मिलता है वो बंक में मिलता है. अगर आप यूज़ कर सके तो इज बेटर, अदरवाइज वो थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है. मैं इस स्पिनच की बैग को मैं यूजुअली यूज़ कर लेती हूँ. मोस्टली हम इतनी बड़ी स्पिनच की बैग नहीं लाते, हम लोग सिर्फ ये वाली बैग लाते हैं जब भी हमें ये साग पनीर बनाना होता है या पालक की सब्जी बनानी होती है. शिवांस भी पालक की सब्जी खा लेता है, स्पिनच मैं उसके लिए वेजिटेबल्स दाल बनाती हूँ, तो ये स्पिनच की बैग ज़रूर हमें काम में आ जाएगी. फिर मैंने लिया हुआ है ये पूरा 4 लैब्स का मतलब 1.80 kg का ग्रेप्स का बॉक्स. ये रेड सीडलेस ग्रेप्स है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है और ये ऑर्गेनिक है. और ये है करीबन 2 लैब का स्ट्रॉबेरी बॉक्स. ये शिवांश को बहुत ही ज़्यादा सारे के सारे फ्रूट्स पसंद है, तो हम इसलिए मोस्टली 3-4 जैसे फ्रूट्स बंक में ही लाते हैं और हम सब खाते हैं. मोस्टली शिवांश उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मोस्टली वही खा जाता है. और हम कभी कभी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक भी बना लेते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. और फिर ये हमने लिया हुआ है रेसबेरी. ये रेसबेरी है 340 ग्राम मतलब 340 ग्राम. और ये मतलब तो ये सारे के सारे फ्रूट्स मतलब हमें लोकल मार्केट से कम दाम में मिलता है, पर हाँ कॉस्टली होता है. यहाँ पे सारे फ्रूट्स मोस्टली कॉस्टली होता है एक्सेप्ट बनाना. बनाना हमें यूजुअली हम कॉस्को से ही लाते हैं, पर इस बार यहाँ वहाँ पे नहीं था तो हम उस वो नहीं ला पाए, तो इसलिए हमने एक और ज़्यादा फ्रूट इस बार परचेज कर लिया हुआ है. फिर हम ये लेके आए हुए हैं कीवी. ये कीवी है 4 लैब. ये
है किवी किड्स, ये नई ब्रांड आई हुई थी तो मैंने ट्राई करने के लिए ये लेके आई हुई। अदरवाइज हम मोस्टली ऑर्गेनिक जो गोल्डन कीवी आती है वो ही लेके आते हैं, पर इस बार मैंने सोचा लेट्स ट्राई दिस वन, सो बस उसके लिए हम लेके आए हुए हैं। फिर ये है कैरेट्स का बैग, मैं सोच रही थी मंचूरियन बनाने का तो उसमें कैरेट और जो कैबेज होती है वो इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए मैंने ये कैरेट्स थोड़े से पंख में ले लिए। फ्रिज में देखती हूँ हलवा या थोड़ा सा ऐसा कुछ मीठा स्वीट सा बना सकूँ, तो उसके लिए कैरेट्स। और फिर ये मैंने लिया हुआ है दो बटर, ये अनसॉल्टेड बटर है, ये मैंने दो पैक लिए हुए हैं और एक पैक में आता है चार ऐसे बड़े बड़े बार्स और उसमें उस इच बार में होते हैं चार स्टिक्स के बटर। ये अनसॉल्टेड है, मैं इसको घी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, मैं हम बाहर का घी नहीं लाते हैं तो मैं इससे घर पे ही घी बनाती हूँ। और फिर हम लेके आए हुए हैं मिल्क, ये यहाँ पे ऐसा ही बड़ा वाला मिल्क मिलता है और इस कॉस्को में, वैसे मैंने आपको बताया कि ये होलसेल स्टोर है तो इसमें दो पैक के ही मिल्क मिलते हैं और ये एक पैक होता है करीबन एक गैलन का, मतलब 3.78 लीटर का एक ये गैलन होता है। वैसे दो गैलन का पैक आता है और मैंने ऐसे ही दो पैक लिए हुए हैं, देख सकते हो ऐसे दो वाले पैक, और ये बड़ी लंबी सी एक्सपायरेशन डेट होती है तो ये ख़राब भी नहीं होता है। और मैं घर पे दही भी बनाती हूँ, यानी कि योगर्ट वो मैं घर पे बनाती हूँ, तो उसके लिए मुझे एक पूरा एक गैलन चाहिए होता है। ये हमने एक और फ्रूट लिया हुआ है, ये है सीडलेस वाटरमेलन और ये अभी तो सीज़न ऑलमोस्ट चले जाने वाली है क्योंकि समर एंड हो रहा है, पर हमने सोचा है एक लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं सीजन जाने के पहले, क्योंकि हम सबको वाटरमेलन बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये सीडलेस होता है तो यू नो इंडिया में जो बीज आते हैं वो उन उस इसमें नहीं होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप सिर्फ काटो और खाओ बस, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर हम लेके आए हुए हैं ये स्मार्टी फैंस, वो है जो मैं मल्टी विटामिन लेती हूँ वो है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, ये डिस्काउंट में थी तो मैंने दो ले ली है इस बार। और ये इसमें करीबन आती है 240 गमी बेयर्स, ये गमी बेयर टाइप की होती है मल्टी विटामिन, इसमें होता है ओमेगा 3 एंड फॉलेट जो हर एक वुमन को बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, स्पेशली जब वो वेजिटेरियन हो और हम वेजिटेरियन हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल क्योंकि हम ऐसे फिश या ऐसे कुछ नहीं खाते हैं तो ओमेगा 3 सिर्फ फिश में ही होता है। और मैं ऐसे फिश वाली जो टैबलेट यहाँ पे आती है वो मैं नहीं लेती क्योंकि उसमें से थोड़ा सा ऐसा फिश खाई हुई है वैसा स्मेल आता है, तो इसलिए ये वाला जो है मल्टा विटामिन वो बहुत ही हेल्दी होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये डॉक्टर की रिकमेंड पे ही मैंने लेना स्टार्ट किया हुआ है। तो और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने शिवांश के लिए ये बुक ली हुई है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी और ये उसको ये छोड़ ही नहीं रहा था तो हमने सोचा कि ओके ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बुक का पूरा मस्त सेक्शन होता है तो उसी में से उसको ये वाली बुक बहुत ही अच्छी लगी, तो ये है 899 की, आप अगर देख सकते हो $9 की ये बुक है, पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, फार्म ट्रैक्टर करके उसका नाम है और ये हार्ड कवर की है तो वो खुद ही अपने आप ही रीड भी कर सकता है बिना फाड़े, तो आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बड़े से एक बाजू पिक्चर है और एक बाजू थोड़ी सी स्मॉल स्टोरीज है ऐसे करके, उसको ट्रैक्टर फिगर बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो इसलिए। और ये इसकी खास बात ये है कि ये ऐसे करके हर एक जो पिक्चर है वो ऐसे निकल आता है, तो वो भी ऐसे थोड़ा सा पजल टाइप भी हो गया इससे, ये थोड़ी सी महंगी है, जो हर एक ऐसे वाला पिक्चर है वो हम ऐसे ही वापस इसको लगा सकते हैं। मैं आपको एक और निकाल के दिखाती हूँ, दिस वन सी, है ना इतना आसान, ये पजल टाइप है, ये बहुत ही अच्छी है तो हमने इसलिए शिवांश के लिए ले ली और ऐसे करके हैं, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, उसको ये ट्रैक्टर ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए
अच्छा है, मतलब वो उसको बुक्स का शौक भी है, तो वाई नॉट राइट। बस इतना ही हमने सामान लिया। यूजुअली हम इससे ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब हम लोग लॉन्ड्री डिटर्जेंट वहाँ से लाते हैं, टूथपेस्ट वहाँ से लाते हैं, कॉलगेट वहाँ से लाते हैं, मतलब सारा का सारा जो हमें नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो जो लंबी चलने वाली होती है वो हम सब कॉस्को में से ही लाते हैं। और इसका आप बिल देख सकते हो कितना बड़ा बिल आया हुआ है, ये करीबन हमें पड़ा है $120 का इतना सा सामान। थोड़ा सा कॉस्टली है पर ये बंक में है तो बहुत ही लंबा चल जाएगा हमें। तो यस, सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। एंड अगर आपको हिंदी में ब्लॉग मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, हेल्प अस, फ्री है। तो या ओके, बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, bye, love you.